तो गाइज ये है Xiaomi का Mi 11 Lite, रिसेंट ईयर्स में सबसे स्लिमेस्ट स्मार्टफोन। पहले कभी स्लिमेस्ट स्मार्टफोन्स का एक क्रेज होता था 2016 के आसपास, लेकिन उसके बाद वो क्रेज खत्म ही हो गया है और उसके बाद आई थिंक ये पहला स्मार्टफोन है जो दोबारा से स्लिमेस्ट स्मार्टफोन होने का क्लेम करता है। शिट गाइज, गाइज बिल्कुल अभी अभी लाइट चली गई तो मेरी ये सॉफ्ट बॉक्स यहाँ पर बंद हो गया है और एक दो और लाइटें बंद हो गई हैं, तो आगे की रिकॉर्डिंग में बाद में करूंगा, जस्ट लेट मी कट दी सील्स। ओके गाइज, तो लाइट इज बैक ऑन। उस टाइम पता नहीं एकदम कैसे लाइट चली गई थी। तो अभी हम दोबारा से रिज्यूम करते हैं मी 11 लाइट की अनबॉक्सिंग। तो कुछ इंपॉर्टेंट स्पेक्स पढ़ लेते हैं। तो हमें मिलता है 90 हर्ट्ज का एमोलेड डॉट डिस्प्ले, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 732, 64 मेगापिक्सल का कैमरा, 4250 mAh की बैटरी विद 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग। तो नाउ लेट्स गेट इट अनबॉक्स्ड। वाओ, लाइक इस टाइप की बॉक्स फिटिंग्स मैंने पहले सिर्फ आईफोन्स की देखी है, इतना टाइट बॉक्स, बट इट फील्स वेरी सेटिस्फाइंग। ओके, डिजाइन बाय Xiaomi, इसे हम देखते हैं एक मिनट के बाद। वाओ गाइस, जस्ट ओह मैन, सो लाइट। लाइक मैंने लाइट फोन यूज किए हैं पहले भी और पतले फोन्स भी, बट दिस इज अ होल न्यू लेवल। वाओ, सेटिस्फाइंग एज एफ ए एफ। ये वाला पार्ट इतना सेटिस्फाइंग नहीं होने वाला है। नो, ये वाला स्टिकर गाइस जिस फोन का इजीली उतर जाए तो यू कैन टेल कि दिस इज समथिंग स्पेशल। ओके, एक सेकेंड के लिए देख लेते हैं बॉक्स में हमें और क्या क्या मिलता है। तो ये है एक USB A टू टाइप सी की केबल, और हमारे पास ये है एक 33 वोल्ट का फास्ट चार्जर टाइप ए, और इसके साथ एक आई थिंक इसमें होगा वो सिम इजेक्टर टूल, और है पेपर वर्क्स। ये है हमारा कवर, एक फ्लेक्सिबल TPU कवर, और ये आई थिंक एक डोंगल होगा। यस, दिस इज द डोंगल, ईयरफोन डोंगल। और गाइज ये भी हमें आजकल बहुत कम स्मार्टफोन्स में देखने के लिए मिलते हैं। तो इसके बाद लेट्स कम बैक टू द मी 11 लाइट। वाओ गाइज, मैं इस स्मार्टफोन का बहुत बड़ा फैन हो गया हूँ। मैंने इस चैनल पर 5-6 या 7-8 स्मार्टफोन्स अनबॉक्स और रिव्यू किए हैं, बट दिस इज द बेस्ट ऑफ देम ऑल विदाउट एनी क्वेश्चन गाइज। सबसे बेस्ट लुकिंग और बेस्ट फीलिंग स्मार्टफोन है ये अपने प्राइस पर। और जो इसका ब्लू कलर है ये लाइक किसी एंगल से थोड़ा येलो में चेंज हो जाता है, और कभी ब्लू और मैट फिनिश है। यहाँ पर हमें Xiaomi का लोगो दिखता है। कैमरास विदाउट एनी टैकी ब्रांडिंग जैसे 64 मेगापिक्सल सुपर हाई रेज जूम वट एवर। राइट हैंड साइड पर हमें मिलता है पावर बटन जिसमें है फिंगरप्रिंट स्कैनर, उसके ऊपर है वॉल्यूम रोकर्स, टॉप पर है आई थिंक ये आयर ब्लास्टर होगा, ये एक आयर ब्लास्टर है। लेफ्ट हैंड साइड पर कुछ नहीं मिलता। नीचे की तरफ मिलता है एक USB टाइप सी स्लॉट, एक स्पीकर ग्रिल और एक सिम ट्रे। हेडफोन जैक हमें स्मार्टफोन में नहीं मिलता है, मे बी इसकी सुपर स्लिमनेस की वजह से वो हेडफोन जैक नहीं दे पाए, बट अगर मुझे अच्छे से याद है तो जो वर्ल्ड का स्लिमेस्ट स्मार्टफोन था कभी 5-6 साल पहले, जितने भी टाइम पहले, माइक्रोमैक्स कैनवस सिल्वर 5 5mm का, उसमें भी हमें हेडफोन जैक मिला था। तो व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे, एंड Xiaomi डिडंट वांट टू गिव अस अ हेडफोन जैक, बट कोई बात नहीं, दिस स्मार्टफोन इटसेल्फ इज सुपर प्रीमियम। तो अभी से कंपेयर करते हैं गैलेक्सी नोट से। रेडमी ने इतने नोट कर दिए, मैं कंफ्यूज ही हो गया कि मेरा रेडमी नोट नहीं है, गैलेक्सी नोट है। तो गाइस, वेट में मैं बताऊं तो दिस इज फीलिंग कंसिडरेबली लाइटर। ये आई थिंक 155 grams का है और ये 197-ish grams का, तो लगभग इन दोनों के बीच में 40-45 grams का फर्क है, और यू कैन इजीली टेल विच वन इज हैवियर। और थिकनेस के बारे में भी, इफ यू कैन टेल, गैलेक्सी नोट से ये ऑलमोस्ट 1.1 mm थिनर है, और नोटिस होता है इसकी थिकनेस। अभी इसको एक बार पावर ऑन भी कर लेते हैं। Xiaomi पावर्ड बाय एंड्रॉयड।
और गाइस एक और बात जो मुझे स्मार्टफोन की बहुत बहुत ज्यादा अच्छी लगी वो ये कि हमें ऑलमोस्ट चारों साइड्स पर सेम अमाउंट ऑफ बेजल मिलता है, तो एक बहुत सिमेट्रिकल सा डिजाइन है, ना कि बॉटम साइड पर बेजल कम हो, साइडों में ज्यादा हो या कुछ भी। हमें ऑलमोस्ट हर साइड पर इक्वल अमाउंट ऑफ बेजल मिलता है विद दिस स्मॉल होल पंच, तो एक काफी अच्छा सिमेट्रिकल डिजाइन आता है। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लाइक कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा पिक्सल 5 जैसा लग रहा है, मे बी आई एम रॉन्ग, मे बी आई एम राइट। मेरे पास IQ Z3 है और इसी प्राइस में वो स्मार्टफोन भी है, बट वो इस स्मार्टफोन की इन हैंड फील को बिल्कुल भी आसपास मैच नहीं कर पाता। मे बी उसका कलर थोड़ा बेटर हो, बट गाइस स्टिल हैंड फील इस स्मार्टफोन की बेस्ट है। गाइस इस स्मार्टफोन का रिव्यू करना काफी इंटरेस्टिंग होगा बिकॉज इसमें काफी सारी इंटरेस्टिंग चॉइसेस हैं, जैसे कि एक टाइप से आप कह सकते हो कि फॉर्म ओवर फंक्शन, और आई लाइक इट। हमें हमेशा फंक्शनैलिटी की तरफ ही नहीं भागना चाहिए, कुछ टाइम हमें फॉर्म भी लेनी चाहिए, और Xiaomi did exactly that, they chose form over function, but ऐसा भी नहीं है कि फंक्शनैलिटी में स्मार्टफोन बिल्कुल खराब है। तो गाइज इसी के साथ ये थी हमारी Xiaomi Mi 11 Lite की अनबॉक्सिंग। आई सीरियसली लाइक दिस स्मार्टफोन, वन ऑफ द बेस्ट एट दिस प्राइस। एंड फॉर द रिव्यू गाइज प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल। वीडियो गाइज अगर पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और इसी के साथ I will see you in the review.